तो पिछले एपिसोड में मैं इंडिया के अंदर 64 नंबर पे तो आ चुका था, लेकिन अभी के टाइम पे मैं 59 नंबर पे चल रहा हूँ, जो कि 29,000 हमारा ग्लोरी हो चुका है। तो 30,000 हो जाएगा और 200 कम है, तो अभी इधर देखता हूँ 50 नंबर तक जाने के लिए कितना ग्लोरी चाहिए। लगभग मेरे को 600 ही ग्लोरी चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ तक पुश करते करते लिटरली मेरा फट गया था। एंड आप लोग एक चीज बता देना, आप लोगों के पास कौन सा इंडिया का वेपन ग्लोरी टाइटल है, ये चीज जरूर से नीचे कॉमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी देखते हैं आज हम लोग कितना आगे तक पहुंच पाते हैं। बाकी चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अपने क्या है। ऑल राइट, ये रहा हमारा एपिसोड 13 का फर्स्ट गेम, जिसमें सामने एक बंदा होता है। डाउन कर देता हूँ एंड क्लियर भी कर लेता हूँ सबसे पहले, नहीं तो किल विल चोरी भी हो जाएगा। कार 98 से फर्स्ट किल मेरे को निकल चुका है एंड सामने एक बंदा डैमेज, फाइनली डाउन भी हो जाता है, तो ये तो अपने आप ही मर जाएगा। एंड सामने भी बंदा है भाई साहब, तो इसको भी मारते हैं। डैमेज, फिर से डैमेज, फिर से डैमेज, सुनिए हो गया ये, तो एक और शॉट मारते हैं, डाउन भी हो गया है। तो अभी चलते हैं सामने एंड सामने आते ही से ऊपर से एक बंदा आ रहा था रिवाइव होके, लेकिन मेरा इधर कान 98 रिलोड में चला जाता है एंड रिलोड करते करते इधर पता नहीं किधर से मेरे को बंदा डाउन भी कर देता है। एंड थोड़ी देर बाद इधर मेरा टीममेट भी रिवाइव कर देता है एंड सामने बंदा, बहुत गंदा वाला फाइट हो रहा है सामने, तो देखते किल विल निकल पाता है कि नहीं। ओके सामने ही बंदा, ओके एक और आ रहा है, तो डैमेज करता हूँ, किल ले लिया मेरा टीममेट ने, तो इसको लूटते हैं, देखते क्या लूट मिलता है इधर से। एक तो मिल गया अभी एंड थोड़ी देर बाद इधर फाइट हो रहा था, तो एक बंदा डिमिट्री से रिवाइव हो रहा था, लेकिन इसको फिर से डाउन कर देता है, फिर से भी रिवाइव हो रहा है, तो उठ जा अभी, तो फाइनली इसका टीम वाइप आउट हो जाता है। एंड इसके साथ साथ 4 किल भी हो जाता है, जो कि कान 98 से 3 किल मेरे को मिल गया है। एंड सामने बंदा डैमेज तो दे रहा है थोड़ा बहुत करके, एंड सामने से ही बंदा मार रहा है मेरे को, तो अभी देखते क्या होता है। एंड स्काइलर भी फेंक देता है, बंदा इतना तेज है क्या, क्या ही तो बोले। तो सबसे पहले ग्लोल के कवर में चले जाते हैं एंड मैं इधर मेरा टीममेट को ट्रीट कर ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे को एचपी इतना लो कर देता है क्या ही बताए। एंड थोड़ी देर बाद सामने एक बंदा होता है, दो दो बंदा है ग्लोल के कवर में है, तो ग्लोल को फोड़ते हैं सबसे पहले, तो ग्रोजा से जल्दी फोड़ जाएगा। ओके सामने बंदा डैमेज तो थोड़ा बहुत दे दिया, लेकिन बंदा फिर से ग्लोल लगा लेता है, तो फिर से ग्लोल को फोड़ता है, नारी कैरेक्टर नहीं है। ओके डैमेज मेरे फिर से डाउन हो गया, तो इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके क्लियर तो हो गया है, लेकिन अभी मेरे टीममेट के पास ही एक और बंदा है एंड थोड़ी देर बाद इधर मेरे को कार 98 मिल जाता है फिर से, तो देखते हैं कार 98 से किल निकल पाता है कि नहीं। अभी सिर्फ लास्ट का एक ही बंदा बचा है, जो कि सामने के साइड ही है एंड जैसे ही बाहर निकला कार 98 का पहला शॉट से ही बंदा मर गया है। एंड इसके साथ साथ एपिसोड 13 का फर्स्ट गेम इधर हमारा बुआ हो जाता है। तो अभी इस मैच में देखोगे तो सामने के साइड ही एक और बंदा फाइनली डाउन भी हो जाता है, तो कार 98 से तीसरा किल भी इधर मेरे को मिल जाता है। तो अभी के टाइम पे ऊपर से तीन तीन बंदा आ रहा है, देखते हैं तीन बंदे को मार पाता हूँ कि नहीं। ओके डैमेज, एक तो डाउन हो गया, तो दूसरा को मारते हैं। ओके डैमेज, फिर से डैमेज, फिर से एक और बंदा डाउन हो गया, तो अभी सिर्फ लास्ट का एक ही बंदा बचा है। ओके डैमेज, फिर से ये भी डैमेज, अरे भाई गोली कनेक्ट नहीं हो रहा है। एंड इधर मेरा कार 98 रिलोड में आ जाता है, तो अभी देखते क्या होता है। एंड थोड़ी देर बाद इधर से एक और बंदा आ रहा होता है, डैमेज, फिर से डैमेज, फाइनली इसका टीम वाइप आउट हो जाता है एंड इसके साथ साथ 6 किल भी हो जाता है। पता नहीं कहाँ से गाड़ी आके मेरे को ठोक देता है, तो सबसे पहले ग्लोर मार के इधर के साइड निकलता है। और सच में गाड़ी वाला तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो इसलिए मैं पत्थर के ऊपर आ गया था। तो सामने एक बंदा ग्लोर तो मार लिया, 63 का डैमेज तो आया था। ओके अभी देखते क्या होता है, अरे भाई गाड़ी वाला इसको ठोक दिया है, तो इसको मारते हैं, इसका फायदा उठा के फाइनली डाउन भी हो जाता है, तो क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। एंड अभी के टाइम पे हमारे स्क्वाड में सिर्फ मैं अकेला ही जिंदा हूँ, तो देखते हैं सामने बंदा। ओके इसका गाड़ी फोड़ गया, तो लास्ट का एक ही बंदा बचा है, जो कि सामने गाड़ी वाला ही है, तो ग्लोल मार लिया, 140 का तो डैमेज आया था। ओके लॉन्चर फेंकते हैं, बंदा बहुत ही ज्यादा तेज है भाई साहब, ग्लोल पे ग्लोल मार रहा है, तो मेरे पास भी इधर ग्रेनेड है, ग्रेनेड भी फेंक देते हैं। लिटरली भाई साहब बंदा इतना ज्यादा तेज है, क्या ही तो बताए। बंदा मेरे ऊपर वो शॉर्ट रेंज में फाइट करने के लिए वो लगा पा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इधर लॉन्ग रेंज से फाइट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डबल कार 98 है, तो उसके पास शॉर्ट रेंज का गन हो सकता है, तो बाहर निकलते से ही मारूंगा इसको। ओके 144 का डैमेज तो लगा, तो अभी तुरंत रश कर देता है, तो जैसे ही बाहर निकलेगा मारने की कोशिश, बाकी सामने बाहर निकला, तो फाइनली इसके साथ साथ ये वाला मैच भी हमारा बुआ हो जाता है। बंदा इतना ज्यादा तेज था ना लास्ट का बंदा, तो क्या ही तो बताए। तो अभी इस मैच में मेरा ऑलरेडी कार 98 से 3 किल हो गया था एंड सामने एक और बंदा, फाइनली इसका टीम वाइप आउट हो जाता है। एंड इसके साथ साथ कार 98 से 4 किल भी मेरे को मिल जाता है एंड सामने एक और बंदा हो सकता है क्या। ओके पत्थर के साइड ही एक बंदा है, डैमेज नहीं लगा। ओके 97 का डैमेज लगा, फाइनली डाउन भी हो जाता है एंड उतने में मेरे को पता नहीं किधर से डैमेज दे रहा था गंदा, तो उसको मार लेते हैं सबसे पहले। एंड थोड़ी देर बाद इधर एक और बंदा आ जाता है, तो ग्लोल तो मार लेता है, तो मेरे पास इधर हुमर भी था, तो हुमर छोड़ देते, तो इसके ऊपर रश करके अभी ग्रेनेड करना पड़ेगा। तो मेरे पास तो 2-3 ग्रेनेड है, तो एक ग्रेनेड कुक करते हैं, देखते हैं ग्रेनेड से मार भी पाते या नहीं। ओके ग्रेनेड इधर से फेंकते हैं, तो अभी देखते क्या होता है, फाइनली ग्रेनेड से डाउन भी हो जाता है भाई साहब, तो इसको सबसे पहले जाके क्लियर कर लेते हैं। पता नहीं किधर से अगर किल विल चोरी हो गया तो इधर पूरा वो हो जाएगा। ओके फाइनली इसको क्लियर भी कर लेता है एंड थोड़ी देर बाद ऊपर से एक और बंदा आ रहा होता है, डैमेज, फिर से डैमेज, फाइनली इसका टीम भी वाइप आउट हो जाता है। एंड मैं उस टाइम उधर के साइड मर गया था, तो मैं इधर के साइड आ गया अभी, तो मेरे पास तो इतना ज्यादा लूट भी नहीं है, पता नहीं किधर से बंदा मार भी रहा है, डाउन भी कर दिया, तो अभी देखते हैं मेरे को रिवाइव कर भी पाता है या नहीं मेरे टीममेट। तो इधर तो ग्लोल फोड़ रहा था, तो अभी मेरा टीममेट भी अभी के टाइम पे ही आ रहा है, तो अभी देखते हैं मेरा टीममेट रिवाइव कर भी पाता है या नहीं। ओके
फाइनली इधर किया ही तो रिवाइव किया है हमारे टीममेट ने, तो अभी इधर सबसे पहले मेडिकेट वगैरह मार लेता हूँ एंड थोड़ी देर बाद इधर से एक और बंदा आता है लेकिन इसको हेड नहीं लगा, तो सबसे पहले मेरे टीममेट को ट्रीट कर लेता है। उतने में ही हमारे ऊपर रश कर रहा था बंदा, तो अभी लास्ट का सिर्फ तीन ही बंदा बचा है जो कि सामने के साइड है, कोई सामने बंदा डाउन हो जाता है तो अभी सिर्फ दो ही बंदा बचा है। उतने में ही पीछे से आके मेरे को डाउन कर देता है, मेरा टीममेट इधर ओवरडन हो जाता है एंड एक को मार भी देता है, तो अभी सिर्फ लास्ट का एक ही बंदा बचा है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। एंड दोनों ही ओरियन हो गया भाई साहब, तो अभी देखते हैं क्या होता है। मेरा टीममेट इधर भूया निकल भी पाता है या नहीं। ओके सामने ही बंदा, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ओके फाइनली उसको भी डाउन कर दिया, शायद उसके पास ओरिजिनल है। ओके मार रहा है एंड इसके साथ साथ ये वाला मैच भी हमारा भूया हो जाता है, वो भी काफी ओपी तरीके से। तो अभी इस मैच में देखोगे तो सामने के साइड एक बंदा था, ओके डैमेज तो दिया था, तो हिट में एम लेते हैं, फाइनली इसको हिट शॉट के साथ डाउन कर दिया, तो अभी देखते क्या होता है। एंड थोड़ी देर बाद इधर एक और बंदा आ जाता है, तो इसको भी डाउन कर दिया, तो अभी के टाइम पे तो मिल के साइड ही जोन है, तो अभी देखते क्या होता है क्या नहीं। एंड थोड़ी देर बाद इधर एक और बंदा आ जा रहा होता है, तो डैमेज तो दिया था। ओके मेरा टीममेट ने लॉन्चर फेंक दिया, तो डाउन फाइनली, तो क्लियर भी कर लेते हैं सबसे पहले। ओके एंड थोड़ी देर बाद इधर एक और बंदा आ जाता है, ओके डैमेज सोनिया हो गया, फाइनली इसका टीम भी वाइप आउट हो जाता है एंड इसके साथ साथ कार 98 से मेरे को 6 किल भी मिल जाता है। एंड थोड़ी देर बाद इधर एक और बंदा था, तो उसको मारने के लिए लगता हूँ मैं, लेकिन मैं इधर नीचे कूद जाता हूँ भाई साहब, किल के चक्कर में मैं नीचे कूद गया, तो सबसे पहले सुपर मेडिकेट मार लेते हैं एंड अभी सिर्फ लास्ट का 4 ही बंदा बचा है, तो देखते हैं इस मैच को भैया निकल भी पाता या नहीं। तो जोन भी तो अभी के टाइम पे उस साइड है, तो जोन में निकलना पड़ेगा सबसे पहले। एंड थोड़ी देर बाद इधर जैसे ही आया था तो ऊपर के साइड काफी गंदा वाला फाइट हो रहा था, तो अभी देखते हैं। ओके फाइनली इधर हमारा भैया हो जाता है, लिटरली भाई इधर से मेरे को एक भी किल नहीं मिला था एंड इसके साथ साथ ये वाला मैच भी हमारा काफी इजी तरीके से भैया हो जाता है। तो अगर आप लोग इस मैच में देखोगे तो मैं सिर्फ ट्विन बीच में अकेला ही उतरा था एंड सामने बंदा पूरा स्क्वाड था, तो एंड मैं थोड़ी देर बाद इधर के साइड आ गया था, तो इधर से एक और बंदा आ रहा होता है, तो इसको भी डाउन कर देता हूँ। तो सबसे पहले इधर से एक ग्लोअल मार के मेडिकेट मारना पड़ेगा, तो मेडिकेट मार लेते हैं सबसे पहले, तो इसको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले, फिर मेडिकेट मारना पड़ेगा। एंड इधर तो और बंदा है एंड थोड़ी देर बाद मैं जैसे ही बाहर के साइड निकला था तो पता नहीं किधर से मेरे को मार भी रहा था एंड मेरे को डाउन भी कर दिया था, तो क्या ही तो अभी कर सकते इधर के साइड। जैसे ही हम लोग लास्ट जोन में की तरफ आ गए थे तो सामने ही बंदा, ओके एक को सोनिया बना दिया, तो इसको मारते हैं, फाइनली इसका टीम वाइप आउट हो जाता है एंड अभी सामने एक और बंदा, तो इसको भी डाउन कर देता है, फाइनली इसके एक और टीममेट है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। सिर्फ अभी सिर्फ लास्ट का एक ही बंदा बचा है, अरे भाई उसको रिवाइव करने के लिए जा रहा है उधर के साइड, अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एंड अभी के टाइम पे मेरे पास कार 98 का एक भी एमो नहीं था, तो इसलिए मैं कार 98 को एक्सचेंज करके यूएमपी पे उठा लेता हूँ, तो अभी वो बंदा तो गया है उसको टीममेट को रिवाइव करने के लिए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। अगर मेरे पास इधर कार 98 का एमो होता तो उसको मार पाता है काफी इजीली, तो अभी देखते हैं इधर से क्या मिलता है। लॉन्ग नोज का कोई गन, ओके मशीन गन एक्स मिल गया, तो अभी देखते हैं ऊपर से बंदा तो आ रहा है, अबे भाई डैमेज ही नहीं लग रहा है, तो क्या ही तो अभी कर सकते हैं। एक भी गोली बंदे के ऊपर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो बंदा तो आ रहा है, तो वो बंदा भी उसका टीममेट भी आ रहा है शायद उधर के साइड से, तो अभी देखते क्या होता है। यूम पे उठा लेता हूँ, अबे भाई बंदा सामने कूदा डैमेज, अरे भाई उसका टीममेट भी मेरे को मारने लगता है एंड मार के भूया भी ले लेता है, तो क्या ही तो अगर कर सकते हैं। अगर मेरे पास इधर डबल कार 98 होता तो शायद इस मैच को भी मैं भूया कर पाता, बाकी अभी चल के देखते हैं हम लोग कितना आगे तक पहुंच गए। तो इधर देख ही सकते हो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप 2 नंबर पे एंड वेस्ट बंगाल पे टॉप 10 नंबर पे चल रहा हूँ एंड इंडिया पे 57 नंबर पे चल रहा हूँ, जो कि आज मैं इतना ज़्यादा गेम भी नहीं खेला था तो इसलिए मैं 57 नंबर पे हूँ अभी तक। तो अभी चल के देखते हैं 50 नंबर पे जाने के लिए कितना ग्लोरी चाहिए, तो अभी इधर देख ही सकते हो 57 नंबर पे जो कि मैं हूँ, तो इधर देख ही सकते हो 57 नंबर पे 30,000 जो कि हमारा ग्लोरी हो चुका है 30,100। तो अभी 50 नंबर पे जाने के लिए लगभग यार मेरे को 600 ग्लोरी करना चाहिए, तो तभी मैं 50 नंबर तक जा पाऊंगा, बाकी आज रात तक खेल के मैं 50 नंबर तक चला जाऊंगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर से नीचे कमेंट करके बता देना, आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो पता ही आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर जो कोई भी पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा तो दिल से धन्यवाद, मिलता है हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।